एक क्वेश्चन था कि भाई आई एम लुकिंग टू बाई यूज डिस्कवर 125 ST, सजेस्ट मी इज इट वर्थ टू हैव इट फॉर डेली रन, रेंज इज अराउंड 20 to 25 K, आई हैव सीन मेनी 2012 मॉडल ऑफ दिस बाइक, इज इट वर्थ, प्लीज सजेस्ट। तो ये मेरे को क्वेश्चन पूछा था राहुल जोशी ने, और भाई मैं अपना ओपिनियन इसमें दे देता हूँ। मेरे को लगता है कि यार अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा बजट का इशू नहीं है तो आई वुड प्रेफर मतलब सजेस्ट कि आप एक फर्स्ट हैंड बाइक ही ले लो, क्योंकि 2012 मॉडल इज कंसिडरेबली काफ़ी ओल्ड हो चुका, ऑलमोस्ट 8 साल। तो किस टाइप का कंडीशन है, कितनी रनिंग है, कितना मेंटेनेंस हुआ है, ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं वैसी वाली बात है, क्वेश्चन मार्क वाली बात है। तो अगर आपको बहुत कुछ ऐसा मॉडल नहीं मिलता है जो बहुत ही अच्छा है, तो फिर तो भाई आप मतलब अवॉइड कर लो तो ज़्यादा ही सही है। आप उससे बेटर है कि एक मतलब 125 cc सेगमेंट में बहुत सारे और ऑप्शंस है, ग्लैमर है, SP125 है, Shine 125 है, तो इन सारे ऑप्शंस को अगर आप चेकआउट कर लो तो आई पर्सनली फील कि आपको ज़्यादा बेटर डील मिल सकता है। बाकी देन ये आपका टोटल आपका अपना चॉइस होना चाहिए, अगर आपको अच्छा मिलता है तो ये है, बट मेरे को लगता है कि एक नया ले लो तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा महंगा आपको डेफिनेटली पड़ेगा, बट वही है। हाँ हुआ उस वाले सीन का, क्योंकि अभी तक आया नहीं। तो भाई देखो एक्चुअली जो इनोसेंटी जो कंपनी है, जो लैम्ब्रेटा की पेरेंट कंपनी है, उसको ऑटो एक्सपो में उनका प्लान था कि वो स्कूटर को शोकेस करेंगे, बट अब उनका सीन क्या हो गया कि उन्होंने बैकआउट नहीं, पुल आउट कर लिया ऑटो एक्सपो से, क्योंकि पता ही है बहुत सारे कंपनीज ने जो है ऑटो एक्सपो में इस साल पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो इस वजह से हमें जो है वो स्कूटर इंडिया में भी नहीं दिखी। वह आगे चल के क्या मतलब इन पे वो होता है वो थोड़ा देखने वाली बात है, क्योंकि ये कोविड के चक्कर में ऑलरेडी जो सिट्रो कंपनी थी और बहुत सारे कार्स हैं जो आने वाली थी वो थोड़े से डिले हो गए, तो अब लैम्ब्रेटा का भी यही सीन है कि पता नहीं कब तक आएगा। गैस 200 सीसी बाइक कौन सी होगी, बिकॉज ये मेरी फर्स्ट बाइक होगी। पहली बात तो भाई आपका पर्पस डिपेंड करना चाहिए। मेरे को अपाचे 200 बहुत अच्छी लगती है, अभी डोमिनार 250 आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, बेहतरीन मज़ेदार परफॉर्मेंस, मज़ेदार हैंडलिंग चाहिए, देन ड्यूक 250 इज़ अगेन अ वेरी गुड ऑप्शन। थोड़ा सा एवरीडे सिटी यूज़ के लिए चाहिए तो मैं आपको जिक्सर 250 सजेस्ट कर सकता हूँ। ये सारे कुछ बाइक्स हैं जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, मज़ेदार परफॉर्मेंस है, राइड हैंडलिंग और ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी में जो है इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनमें से मुझे को ड्यूक 250 बहुत पसंद है, उसके बाद अपाचे बहुत पसंद है। इन बाइक आप एक बार ट्राई आउट ज़रूर करें, और जो ओवरऑल एवरी डे सिटी विटी में चलाने के लिए चाहिए, जो मतलब आपका है क्योंकि आपकी फर्स्ट बाइक है भाई, तो मे बी आप इस चीज़ों को कंसिडर करना चाहोगे, तो यस ये तीन बाइक जो है आपके पास है। पल्सर 120 भाई ठीक है, मतलब ठीक ठाक ऑप्शन है। मेरे को लगा कि थोड़ा कुछ नया यहाँ पे बजाज कर सकती थी अपने बाइक के साथ, वही पुराना पल्सर का डिज़ाइन उठाया है उन्होंने और उसमें जो 125 cc का इंजन दिया है। परफॉर्मेंस वाइज मुझे कोई ऐसे दिक्कत उस बाइक में नहीं लगी, ठीक ठाक बाइक है। मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को बनाने के चक्कर में मेरे को बहुत घूमना भी पड़ा था, तो वो मेरे हिसाब से ठीक बाइक है भाई, आप चेकआउट कर सकते हैं।